हेलो फ्रेंड, मैं शिवानी मिश्रा, स्वागत है आप सभी का डिजाइनपुर में। आज मैं आपके साथ एक बैक ब्लाउज डिजाइन शेयर कर रही हूँ। इसकी लंबाई जो रखी है 13.5 इंच है। चौड़ाई देख लीजिए, 10 इंच के बराबर में है। शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच है। आर्म होल की लंबाई 5.5 इंच है। गले की चौड़ाई देखिए, मैं 2.5 इंच रख रही हूँ, 2.5 इंच के बराबर में। आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है, जितना आप लेंथ लेना पसंद करेंगे गले की। मैंने ये मार्क कर दिए। नीचे की साइड से भी 3 इंच बराबर मार्क कर देंगे। दोनों मार्किंग को बराबर करते हैं, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो मैंने लाइनिंग ड्रॉ कर दी। गले की लेंथ लेंगे, गले की लंबाई में 10.5 इंच रख ली। आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कितना डीप निकलेंगे। अब गले की डिजाइन का मार्क कर देंगे। तो मैंने ये मटके शेप में गले की मार्किंग कर दी। सेम कटिंग कर देंगे मार्क के ऊपर से ही। तो गले की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैंने कर दिया। इसके साथ में मेन फैब्रिक ब्लाउज का ले लिए हैं, इसकी भी कटिंग इसी तरीके से कर देंगे जैसे अस्तर की है। तो देखिए, गले की कटिंग बिल्कुल बराबर में हो चुका है। दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के साथ में बिल्कुल ही रख देंगे और फिर सिलाई लगाते गले को स्टिच करेंगे। अस्तर फैब्रिक को बिल्कुल बराबर रखते अटैच कीजिएगा गले को। तो समझ में आ रहा होगा मैं कैसे दोनों को स्टिच कर रही हूँ। कम्प्लीटली गले की स्टिचिंग हो चुकी है। इसके गले पे छोटी छोटी कट लगा देंगे। कट लगाने से जब इसको पलट कर सीधा करेंगे तो डिजाइन बिल्कुल बराबर में आएगी। मैंने कट लगाने के बाद इसको सीधा कर दिया। इसके गले पे सिलाई लगा के इसकी पूरी फिनिशिंग की स्टिचिंग कर देंगे। इससे गले की डिजाइन उभर कर दिखने लगेगी। तो मैंने देखिए कम्प्लीटली फिनिशिंग की स्टिचिंग ये कर दिया है। ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर रखेंगे और साइड साइड से सिलाई लगाते हुए दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के साथ में अटैच कर देंगे। ये ऑल राउंड स्टिचिंग कम्प्लीटली ब्लाउज की हो चुकी है। नीचे की साइड इसके टक्स लगाएंगे तो माप ले लेंगे बराबर में और माप लेते हुए फिर अच्छे से टक्स को स्टिच करेंगे। तो एक साइड से टक्स को स्टिच कर लिया। इसी तरीके से मेजरमेंट लेते हुए दूसरी साइड से भी टक्स को फोल्ड करके अच्छे से स्टिच कर देंगे। दोनों साइड से टक्स बना दिया। नीचे का बॉर्डर बनाने के लिए फैब्रिक यूज करेंगे। तो मैंने ये पट्टी ली है अस्तर की, इसको नीचे के साइड से बिल्कुल बराबर रखेंगे और ब्लाउज के साथ में इसको बराबर में पूरा स्टिच कर देंगे। पहले ये पट्टी स्टिच हो चुकी, एक्स्ट्रा कट करके निकाल देंगे। इसको फैलाएंगे, इसके ऊपर से सिलाई लगाते हैं, इसकी पूरी फिनिशिंग दे देंगे। तो ये पट्टी जो ज्वाइंट की है इसको डबल फोल्ड करके ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करेंगे और सिलाई लगाते हैं, इसको अच्छे से पूरा स्टिच करके नीचे का बॉर्डर बना लेंगे। ये देखिए कम्प्लीटली नीचे का बॉर्डर बन चुका है ब्लाउज के गले पे। अब डिजाइन करेंगे तो चलिए ब्लाउज साइड रखते हैं और डिजाइन बनाते हैं। तो डिजाइन बनाने के लिए एक पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई देख लीजिए, 2 इंच के बराबर रखी, 2 इंच। तो 2 इंच के बराबर जो पट्टी, इसको डबल फोल्ड करके और साइड से सिलाई लगाते हुए दोनों पार्ट को एक दूसरे के साथ में अटैच कर देंगे। ये पट्टी बन चुकी है, दूसरी ले ली है। दूसरी पट्टी की भी चौड़ाई सेम रखी है 2 इंच के बराबर में। इसको भी डबल फोल्ड करेंगे और साइड से सिलाई लगाते हुए दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के साथ में अटैच कर देंगे। ये दोनों पट्टियां देखिए बन चुकी है। दूसरी पट्टी भी मैं दिखा देती हूँ। दोनों को सेम बना लीजिएगा एक तरीके से। इन दोनों को पहले साइड रखते हैं और मैंने देखिए ये बकरम ले लिया, इसको पेपर पेस्टिंग भी बोलते हैं। इसको डबल फोल्ड करके रखा है। इसकी लंबाई चौड़ाई दिखा देती हूँ। चौड़ाई जो रखी वो 6.5 इंच है। लंबाई देखिए 6 इंच, चौड़ाई 9.5 इंच थी। हम दोनों इसको डबल फोल्ड करके रख दिए हैं। इसके ऊपर ब्लाउज को भी डबल फोल्ड करके रख दीजिएगा और गले के बराबर इसके ऊपर एक मार्क कर देंगे। थोड़ा सा मेरा वीडियो ब्लर हो गया लेकिन आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। 1 इंच के बराबर में एक एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से ऊपर के साइड से थोड़ा सा क्रॉस में मार्किंग कर लीजिएगा। ये देखिए कटिंग मैंने पेपर पेस्टिंग की कर दी। इसके साथ में अब मैं अस्तर यूज करूंगी। तो अस्तर ले लिया। अस्तर को पहले इसके रॉन्ग साइड से अटैच करना है। इसको पहले ऊपर की साइड से स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दीजिएगा। छोटा सा कट लगा देंगे कॉर्नर में, इसको पलट कर सीधा कर देंगे और सिलाई लगाते हुए अस्तर को इसके साथ में पूरा अटैच कर देंगे। ये अटैच हो चुका है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसमें से कटिंग करके पूरा निकाल देंगे। ये देख लीजिए बकरम पे जो पट्टी डिजाइन बनाई है इसके ऊपर पट्टियों से डिजाइन करेंगे जो मैंने भी बनाई हुई थी। पट्टियों को देखिए इस पे कैसे अटैच कर रही हूँ, क्लियर वीडियो में समझ में आएगा।
इसी तरीके से इन पट्टियों को स्ट्रेच स्टिच कर देंगे। जितनी आपको स्पेस मिले, जितना इसमें जगह है, उतना भी सेम ऐसी डिजाइन बनाते हुए तब तक स्टिच करते जाएंगे जब तक पूरा एरिया कवर ना हो जाए बकरम वाला। ये लास्ट देख लीजिए, ये कम्प्लीटली पूरा मैंने कवर करके बना लिया डिजाइन को। अब इसको रॉन्ग साइड से करेंगे और डिजाइन को बिल्कुल बराबर रखते हुए जितना बकरम का एरिया वहां से सिलाई लगा के एक्स्ट्रा जो फैब्रिक इसमें से बचे डिजाइन का पूरा कटिंग करके निकाल दीजिएगा। अब जो ये डिजाइन बना है इसको साइड रखेंगे और मैंने देखिए ये बकरम ले लिया है। बकरम को मैंने देखिए डबल फोल्ड करके रख के राउंड में इसका मार्क कर दिया, सेम कटिंग कर देंगे इसके ऊपर से। तो मैंने देख लीजिए पूरा कटिंग इसकी कर दी है। अब इसके साथ में फैब्रिक लिया, इसकी भी कटिंग कर दी। इसके साथ में अस्तर लिया, अस्तर को भी अटैच कर दीजिएगा। तो फैब्रिक को रॉन्ग साइड से रखेंगे और पूरा अटैच करने के बाद छोटी छोटी कट लगा देंगे, इसको पलट कर सीधा कर देंगे। एक साइड से फैब्रिक आएगा ब्लाउज का, एक साइड से अस्तर आएगा। सिलाई नीचे की साइड से लगा दिया मैंने, इसको बराबर कर लेंगे पूरा अच्छे से। अब इस पर डिजाइन करनी, उसके लिए मैंने एक पट्टी ली है। पट्टी को डबल फोल्ड करके इसकी मीडियम साइज की डोरी बना लेते हैं। डोरी की स्टिचिंग हो चुकी है, इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। तो उससे पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दीजिएगा और इसको अच्छे से पलट कर सीधा कर लेते हैं। ये डोरी मैंने सीधा कर लिया। डिजाइन करने के लिए इसको कट करेंगे तो 1.5 इंच के बराबर इसमें माप ले लेंगे और जितनी डोरियां है सबको फोल्ड कर देंगे। तो छोटे छोटे लूप्स मैंने ये फोल्ड कर दी, इनको कटिंग करके दोनों साइड से अलग अलग कर देंगे। और जो ये लूप्स मैंने बना रखे हैं इनको पहले साइड रखते हैं और जो डिजाइन बनाई थी दोनों को साथ में ले लेंगे। पहले डिजाइन के ऊपर मैंने ये जो डिजाइन बनाई थी इसको रख के मार्क कर देंगे, इससे पता चल जाए कितना एरिया में आपको लूप्स अटैच करना है। अब उतने एरिया में लूप्स को अच्छे से राउंड करते हुए अटैच कर देंगे। बीच में गैपिंग नहीं रखना, बिल्कुल पास पास से अटैच कीजिएगा लूप्स को। ये अटैच मैंने कर दिया है। अब जो ये डिजाइन बनाई है इसको डिजाइन के साथ में अटैच कर लेंगे, पूरा अच्छे से स्टिच कर दीजिएगा। ये स्टिच हो चुकी है मेरी डिजाइन। अब इसको मैं डेकोरेट करूंगी तो गोल्डन कलर की मोती ले ली, जितनी भी लूप्स बनाई है सभी के बीच से एक एक मोती मैं लगाऊंगी। ऐसे ही पूरा डेकोरेट कर लेती हूँ अच्छे से, जितनी भी लूप्स बनी है सबको डेकोरेट करना है। तो मैंने टक कर दिया है। अब डिजाइन लेंगे ब्लाउज को, डिजाइन को दोनों को साथ में रखते हुए अटैच कर देंगे। तो मैंने स्टिच कर दिया है। अब लेस लिया, लेस से ब्लाउज को डेकोरेट कर देंगे पूरा गले पे। कॉलर से लेस को अटैच कीजिएगा। तो कम्प्लीटली देखिए लेस भी स्टिच हो चुकी है। मेरी ये ब्लाउज डिजाइन बिल्कुल कम्प्लीट है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, सो बटन लगा देंगे तो कम्प्लीटली बन चुकी है। अगर आपको डिजाइन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये डिजाइन कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मैं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए डिजाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।